पंजाब दे पेट्रोल पंप मालकां दा वड्डा फैसला। जानो क्यों कीता पंप 5 बजे बंद करन दा फैसला। पंजाब दे पेट्रोल पंप मालकां ने वड्डा फैसला लैंदे होए पंजाब विच हुण पेट्रोल पंप सवेरे 7 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक ही खोलण दा ऐलान कीता है। पेट्रोल पंप मालकां दे इस फैसले नाल पंजाब दे लोकां लई वड्डी मुश्किल पैदा हो सकती है। यह फैसला पंजाब पेट्रोलियम डीलर एसोसीएशन की बैठक विच लिया गया है। ऐतवार नूं डीलरस दी लुधियाना विच होई मीटिंग तो बाद इस दा ऐलान कीता गया। इस मीटिंग विच जलंधर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़, मोहाली, होशियारपुर, मोगा समेत लगभग 50 पेट्रोल पंप मालकां ने हिस्सा लिया। बैठक की प्रधानगी एसोसीएशन के सूबा प्रधान परमजीत सिंह दुआबा ने की। बाद विच उन्हां कहा कि पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां लगातार वध रहीआं हन, इस नाल उन्हां दी इनपुट लागत वधदी जा रही है। इस दे मुकाबले उन्हां दे कमीशन विच कोई इजाफा नहीं होया। पिछले 5 सालां विच लागत दुगनी हो चुकी है। इस संबंधी सरकार नाल कई वार मीटिंग हो चुकी है जिस विच ओह कीमतां ते काबू पाउण नूं लै के अते कमीशन वधाउण दी मंग कर चुके हन। इस दे बावजूद कोई फैसला नहीं होया है। एसोसीएशन का आखना है कि पेट्रोल पंप 24 घंटे जा देर रात तक खोलन कारण उन्हां दा खर्चा वध रहा है। इस दे बावजूद कमाई घट हो रही है। इस कारण ओ हुण सवेरे देर नाल पेट्रोल पंप खोलणगे अते शाम नूं वी जल्दी बंद कर देणगे। इस नाल उन्हां दी लागत विच कुछ कमी आवेगी। एसोसीएशन का कहना है कि फिलहाल 7 तों लैके 21 नवंबर तक यह फैसला लागू होगा। जे अगले 15 दिनां विच सरकार उन्हां दी गल नहीं मनदी है तां 22 नवंबर नूं पूरे दिन लई पेट्रोल पंप बंद रखे जाणगे अते ओ अगे दी रणनीति ते विचार करनगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़दी कला, टाइम टीवी।